अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आल बारी हम बारी कौन। सेवन ओ क्लॉक। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सभी चौंक गए होंगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ। तो मनी आज कह रहे कि आज स्टार्ट तुम करेगी तो मैं कर रही हूँ। आज की ड्यूटी तुम्हारी लगी हुई है। ड्यूटी नहीं है ये, आज की ड्यूटी मेरी लगी हुई है ब्लॉगिंग की, बिकॉज मनी को खाना बनाना है। सिर्फ लौकी की सब्जी ना की रोटी, रोटी मैंने ही बनाया है मनी। और क्या किया? और कुछ नहीं किया, बाकी काम करने के लिए मेरे पति पति है ना। क्यों मनी? मनी जानबूझकर नहीं सुन रहा है। मनी अभी गए हुए फ्रेश होने के लिए, वो आते हैं उसके बाद कुछ बोलेंगे, बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। आई एम बैक, मैं रेडी हो रहा था एक्चुअली। ठीक है, तो बैक होने के बाद अच्छा अंजलि मुंह फुला करके इधर उधर घूम रही है। वैसे गुस्सा चढ़ जाता है जब इंसान थोड़ा सा काम कर लेता है ना, तो वैसे गुस्सा आ जाता है उसको। तो अंजलि ने भी काम किया इधर उधर ना, है ना, कपड़े कपड़े धो रही थी तो भाई से गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद देखो थोड़ा सा क्रीम क्रीम पोत रही है, ये ऑफिस जाना है ना, तो रेडी हो रही है और अपन भी रेडी हो रहा है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आयल बाड़ी हम बाड़ी कौन। हम बाड़ी अनी ते ईबा मनी, सॉरी गलती हो गया, हम बनी मनी ते ई बाड़ी अनी ते हम लोग वही हैं यार। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मुझे एंकर नहीं होना चाहिए था, क्या पता भोजपुरी इंडस्ट्रीज से कॉल आ जाए कि भाई आपको एंकरिंग करने के लिए चुना गया है, तो मैं जाऊंगा यहाँ से, है ना, मजा आ जाएगा यार। वैसे सीरियसली मतलब ना, स्वागत है आप लोग का अनी मनी गॉसिप चैनल में, ये वो फलाना ढिमकाना, हमारे यूट्यूब चैनल की भी प्रमोशन हो जाएगी यार। मैं सोचता वैसे बहुत हूँ, है ना। क्यों अंजलि, अंजलि कोई कमेंट नहीं दे रही है गुस्से में अभी, वो अभी डाइटिंग पे, वो सिर्फ खीरा खा रही है। अंजलि ने आजकल ना मतलब सैलेड सुलेट पे बड़ा ध्यान दे रखा है, मतलब सेहत पे ध्यान दे रही है। मतलब कहने का मतलब है कि कहते हैं हेल्थ कॉन्शियस समथिंग एक वर्ड होता है वो कहते हैं। तो ये जान के आप खाई से करते हैं, ज्यादा बोलो समथिंग समथिंग मेरी जान, जो अपन को आता है अपन बोलता है। और यार ये टोकती बहुत है, बीच में ना मैं लाइन भी मिस कर जाता हूँ, पता नहीं मैं क्या बोलने वाला था और मैं गाना गाने लग गया यार। अंजलि कह रही थी जो आता है वही बोलो, यार वही तो बोल रहा था जो आता है मुझे। कुछ भी प्लास्टिक में ही रहने दो ना, वो है बिल, ये बिल है ना। ओके, तो हम अभी आए हैं टाइटन के शोरूम में। जो मेरा फ्रेंड अंकित है ना उसकी बहुत चाहिए और ये खराब हो गई है, तो इसकी वारंटी पता करनी है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। जाओ जल्दी, टाइम पास मत करो। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। ठीक है, तुम यही वेट करना, थोड़ा सा ये दुपट्टा से ऐसे कर लो रैप। ठीक है, जाओ 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 जाओ। कैसी लग रही है? हैं? पसंद है क्या? ले रही हो क्या? मेरे लिए भी ले देना अंजलि। हैं? फाइनली अंकित ने, अंकित कह रहा हूँ, अंकित का, अंकित की तो वॉच हुई नहीं है ना, अंकित की गारंटी खत्म हो गई है वॉच की, बिकॉज लेदर बेल्ट है उसका, तो उसकी गारंटी कोई नहीं है। और अंजलि ने भी एक वॉच पसंद कर ली थी अभी। आपने पसंद करवाया? अच्छा, मैंने करवाया, नहीं देखती ना। ओके ओके, कोई बात नहीं, ले देंगे ले देंगे, इतना गुस्सा नहीं माना करते।
इवनिंग टाइम और अंजलि आज खाना नहीं बनाने वाली है, इसने पहले ही बोल दिया है, तो खाना मुझे पैक कराना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे ढाबे पे आए हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। यार आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं बहुत करता हूँ, कुछ भी हम करते हैं ना आफ्टर लॉन्ग टाइम करते हैं ना। लॉन्ग टाइम ही तो आए हुए हैं, नहीं तो हम रेस्टोरेंट जाते थे उधर ही खाते थे घर, बट ढाबे का खाना का ये तुम दाढ़ी निकालोगी जरा, दाढ़ी जो लग रही है तुम्हारी। ढाबे का जो खाना होता है ना भैया, इतनी इम्यूनिटी है ना, इम्यूनिटी इतनी ज्यादा, इतनी गर्मी लग रही है ना, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है यहाँ पे। सही बात है, अंधेरा हो रहा है ना, तो आने वाली अभी जिस भागदौड़ की जिंदगी में ना, भागदौड़ की जिंदगी में थकना मना है, मेरी बात, और पेड़ लगाएं और पेड़ पौधे जरूर लगाएं, तो आने वाले टाइम में ना एक हाथ में सिलेंडर दूसरे हाथ में ऑक्सीजन होगा ना आपके लगा। सही जा रही हो बेटा, सही जा रही हो। तो मैं जा रहा हूँ एक्स्ट्रा रोटी पैक कराने। बन रही है तंदूर वाली रोटी और ये देखो आप लोग तैयार हो रही है, और अंजलि वो रही वेट कर रही है। फूड हो चुका है पैक, ये लो मैडम, ये लो चेंज, कीप द चेंज वेटर, कीप द चेंज। वेटर होंगे आप, तुम हो वेटर। तो मैं रूम पे पहुंच चुकी हूँ और मैंने अपने लिए तंदूरी रोटी पैक कराई है और मनी के लिए तवा रोटी पैक कराया है, क्योंकि मनी रोटी रोटी करते रहते हैं इसलिए स्पेशली उनके लिए सिर्फ रोटी पैक कराया है। एक भी उनको दूंगी नहीं तंदूरी रोटी। आप लोग बताओ, आप लोगों को कौन सी रोटी अच्छी लगती है, तंदूरी या तवे की रोटी? और मैंने अपने लिए पनीर की सब्जी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है पनीर, पनीर मतलब पनीर की सब्जी मुझे बहुत बहुत पसंद है। मेरे लिए सिर्फ राजमा पैक कराया है, ऐसा नहीं है हम दोनों ही मिलजुल के खाते हैं, बट अपनी अपनी पसंद है। आई एम बैक, तो आई एम बैक मतलब कि अभी खाना खाने का टाइम आ गया, बिकॉज अंजलि ने ये जो खाना पैक कराया है ना, तो वो अगर ठंडा हो गया तो रोटी तो टूटेगी नहीं। मेरी तो तवा रोटी है, मैं तो खा लूंगा, बट मैडम की रोटी है, पता है कौन सी रोटी है? तंदूरी रोटी। तभी कहूँगी बकड़ बकड़ सुन रही है, मैं बाथरूम से ना मेरे को आवाज आ रही थी कि आप बकबक कर रही है। तो फाइनली मुझे लगता है तुमने सारा कुछ बता दिया है ना। Yes. तो अभी हमारा खाना निकल रहा है आज बहुत जल्दी, मतलब अंजलि, अंजलि आज कह रही थी, क्या कह रही थी मैं बताता हूँ। अंजलि आज कह रही थी कि हमें ब्लॉग देखना है आज, जो हमारे ब्लॉग्स है ना, हम अपलोड तो कर देते हैं बट कई बार होता है कि टाइम नहीं मिलने की वजह से हम देख नहीं पाते। तो आज हमें जल्दी से खाना खाना है, उसके बाद खाना खत्म करके हमें अपने ब्लॉग्स देखने हैं, कुछ कमी पेशी या कुछ भी मतलब है ना, तो उसको सही किया जाए, तो वो आज होने वाला। एक और बात बताना है आप लोगों को, देखो हमने आज ढाबे से खाना पैक कराया, तो बेनिफिट क्या हुआ उसका कि हमारा 200 में काम निकल जाएगा, है ना, 150 से 200 में सारा काम ओके हो जाता है दोनों का, ठीक है। बट अगर यही चीज़ आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठ कर खा रहे हो ना, तो उसमें क्या होगा कि 250 रुपए की तो एक सब्जी सबसे पहले ऑर्डर करनी पड़ेगी, है ना, कम से कम दो सब्जियां ऑर्डर करोगे, 500-700 समथिंग कुछ ना कुछ आपको चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका निपटारा होगा पेट का। वैसे ढाबा ठीक है, वैसे कभी कभी के लिए है ना, इसमें ज्यादा खाना बाहर से खाता नहीं हूँ, हम घर पे ही खाते हैं। खाना हम इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज वो कोयला पे बनता है, कोयला पे बनता है, हाँ, गैस पे नहीं। हम जिस ढाबे से लेते हैं खाना वो कोयला पे बनता है। या मे बी टेस्टी होता है तभी तो मैं अच्छा ठीक है बाबा, मैंने नहीं देखा कि कोयला पे बना रहा है या गैस पे बना रहा है। रहा हमारा खाना, ये रहा मनी का पेट, ये रहा मनी का मुंह, और ये रहे प्रणाम करते हुए मेरे पति। चलो खाओ स्टार्ट। पहले ना मैं ऐसे फोन चलाता था ना, तो मैं लोगों को कहता था सारे एक्टर ही बन गए हैं ना, कि मतलब कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई मतलब रील्स बना रहा है, ये सब कर रहा है ना। बट अब ये चीज मेरे पे भी लागू होती है ना, मुझे भी लोग कह रहे होंगे जेड़े देखो इधर उधर से आके ब्लॉग बनाने लगेंगे, रील्स बनाने लगेंगे, है ना। बट अपनी अपनी खुशी होती है, आप मतलब आपको क्या अच्छा लगता है, आपको रील्स बनाना अच्छा लगता है तो बना रहे हो, है ना। आपके फॉलोअर्स हैं या नहीं है, आपके व्यूज हैं या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। वैसे मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि जब मतलब लड़के होते हैं ना, जब प्यार उनको हो जाता है ना ये बड़ा फनी सीन है वैसे तो उनको ना सारे गाने ना बहुत अच्छे लगने लगते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, अभी अभी अंजलि ने मुझे ये गाना सुनाया, दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके, तुम्हें दिल ये दे चुके, ठीक है। तो ये गाना है ना, और प्यार होने के बाद कौन सा गाना अच्छा लगता है, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, दिल के बदले सनम दर्द दिल नहीं सॉरी दिल के बदले सनम सर का दर्द ले चुके हम सर का दर्द ले चुके, है ना। तो ये है डिफरेंस
बिफोर एंड आफ्टर लव। तो कैसा लगा ये आपको, कमेंट करके जरूर बताना। ऑसम। सर का दर्द, आपने कौन सा दर्द लिया है? सर का दर्द लिया है, सर का दर्द दिया है। इसने सर का दर्द दिया है तुम्हें? लिया है। तो भाई इसने तो सर का दर्द लिया अंजलि मैडम ने, बाकी मेरा तो पता ही आप लोगों को कौन सा दर्द है ना, सर का है या दिल का है ना। आप लोगों का कौन सा दर्द है यार, कमेंट करके प्लीज मेरे को बताना। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग का सबका खाना पीना सब कुछ हो गया है और अभी ब्लॉग एडिट करना है ना, बहुत काम है, मतलब सर में दर्द हो रहा है, नींद भी आ रही है ना। लेकिन क्या करें, एक कमेंट आया था बहुत बढ़िया सा कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सब लोगों को हंसाते रहे। तो सेम कॉपी करके मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारा ब्लॉग देखते रहे है ना, और इंजॉय करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज का ब्लॉग करते हैं द एंड। मिलेंगे कल के न्यू ब्लॉग में ऐसे ही, मतलब समथिंग समथिंग डिफरेंट डिफरेंट। अपन हीरो है, अपन कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसे ही मतलब इंजॉय करते रहे आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।